नमस्ते, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम ओसीडी को तह तक समझते हैं साथ में। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो बीमारी है वो है क्या? ऑब्सेशन जो होते हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, वो विचार होते हैं जो बार बार हमें आते हैं दिमाग में। जैसे हम बैठे हुए हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता जा रहा है ना, हम बैठे हुए दिमाग में कुछ ना कुछ आता जा रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ कोई बात चल रही है कि अरे कल क्या खाने में था, अभी मतलब अभी दोपहर में क्या खाया है, अभी शाम में क्या खाएंगे, कुछ ना कुछ ये सब चलता रहता है दिमाग में। आपको ज़्यादा सोचने की मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपका जो दिमाग है वो खुद ही विचार लाता जा रहा है। अब क्या होता है कि अगर कोई विचार आ रहा है जिसके साथ आपको हो रही है एंगजाइटी, घबराहट, जैसे आप बैठे हुए हो आराम से, मैं इधर आराम से बैठा हूँ, कोई मेरे को स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, और अचानक से मुझे कोई थॉट आता है कि यार मैं अपने ना बेसिकली किसी को मार दूंगा या किसी को धक्का दे दूंगा, ओसीडी थॉट आता है, ऑब्सेसिव वो जो विचार आता है दिमाग में, और आपको उसकी वजह से हो जाती है एंगजाइटी। ठीक है, जो ये एंगजाइटी है, घबराहट है, वो जो चीज़ उस घबराने की वजह से, ठीक है, आपका जो थॉट का जो प्रोसेस है, जैसे आप बैठे हुए आराम से और दिमाग में कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, बट अगर कोई ये विचार आ जाए जिससे आपको एंगजाइटी हो जाए, तो आपका जो विचार का जो साइकिल है वो रुक जाएगा। राइट, जो मतलब जो विचार चल रहे हैं, ये जो खुद से आराम से ऐसे चल रहे हैं, वो विचार रुक जाएंगे, आपको एंगजाइटी हो जाएगी और आप उस थॉट के बारे में सोचने लग जाओगे। अभी क्या है कि आपके विचार खुद से आ रहे हैं, बट अगर कोई थॉट ऐसा हार्म ओसीडी का थॉट आ गया या चेकिंग ओसीडी का थॉट आ गया कि मैंने स्टोव ऑन किया था या नहीं, ये सब हुआ था कि नहीं, तो ये जो चेकिंग ओसीडी का जो ये जो थॉट है कि मैंने स्टोव ऑन किया था या ऑफ किया था, ये थॉट अगर आप जाने दे दोगे, आप बैठे हुए और ये थॉट आया और चले गया तो ठीक है, बट उस थॉट के बारे में फिर आप सोचने लग गए, हाँ यार मैंने स्टोव ऑन किया था कि नहीं किया, ऑफ किया था कि नहीं किया था, ऑफ कर दिया है तो ठीक है, ऑफ नहीं किया तो यार तो बम ब्लास्ट हो जाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मेरा सब कुछ उड़ जाएगा, फिर मेरे घर वाले भी बोलेंगे कि तू तो अपना ख्याल रख ही नहीं सकता है, तू तो ध्यान देता ही नहीं है अपना, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तुझसे एक स्टोव ऑफ नहीं हुआ, तू इतना इरिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि आप उस पहले आपके विचार खुद ही आते जा रहे थे, पर जब एक विचार जिसने आपको एंगजाइटी दी, उस विचार को फिर आपने बहुत ज़्यादा अहमियत दी, सिग्निफिकेंस दिया, और उस विचार के बारे में और घुसने लग गए अंदर, उस विचार के बारे में और ज़्यादा सोचने लग गए। ये तो पहले आपको पहले खाने के विचार आ रहे थे, उसके बाद अचानक से आपको ये विचार आया कि दिवाली में मेरे को पटाखे फोड़ने हैं कि नहीं, फिर विचार आया कि अरे यार ये एसी का कलर वाइट है कि ऑफ वाइट है, मतलब आपको अलग अलग टॉपिक के थॉट्स आ रहे थे। बट जब ओसीडी वाला जो थॉट होता है ना, ऑब्सेसिव थॉट, जब वो आ जाए ना, तो फिर आप उसी थीम के बारे में और अंदर सोचने लगते हैं कि यार जैसे मैंने आपको वो बताया, स्टोव वाला एग्जाम्पल दिया, तो आप उसी चीज़ के अंदर और घुसने लगते हो, तो उसी थॉट को और आप अहमियत देके उसी थॉट के अंदर घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, है ना? तो आपको ये समझना होगा कि जो एंगजाइटी आपसे ये करवा रही है, तो ये थॉट आ रहे हैं, थॉट तो आपके दिमाग में आते रहेंगे, आप अपने मतलब दिमाग को नहीं रोक सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप मैं अपने दिमाग को रोक दूंगा और मेरे दिमाग में ये थॉट्स वॉट्स आने बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, थॉट्स आने आपके बंद नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे, पर उस थॉट्स के साथ अगर आपको एंगजाइटी आपकी अगर मैनेज हो गई, अगर एंगजाइटी आपको नहीं आ रही है उन थॉट के साथ, तब आपको फायदा होगा, तब मतलब कि आपको इतना इशू नहीं होगा उस थॉट्स की वजह से। बट उस थॉट्स की वजह से आपको अगर मतलब एंगजाइटी आ रही है, तो उस थॉट्स के बारे में आप और अंदर अंदर सोचेंगे और अंदर अंदर घुसेंगे, ठीक है, और आपको मतलब कि बेसिकली वो एक चेन बनता रहेगा। उस फिर एंगजाइटी को दबाने के लिए लोग करते हैं कंपल्शन, कंपल्शन हो गया, जैसे मेंटल कंपल्शन हो गया, राइट, या फिजिकल कंपल्शन भी होता है, मेंटल फिजिकल कंपल्शन। मेंटल कंपल्शन हो गया कि 1 to 100 गिन रहे हैं या मंत्र पढ़ रहे हैं, और फिजिकल कंपल्शन जो एक्सटर्नल कंपल्शन है, जैसे कि आप हाथ धो रहे हो और भी कई सारी चीज़ें होती है, आप बार बार चेक कर रहे हो चीज़ों को, तो कंपल्शन जो होता है वो एंगजाइटी को दबाने के लिए होता है। पहले आपके थॉट्स आते हैं, अब ये जो थॉट्स है वो थॉट्स के साथ आपको इमेजेस, थॉट्स जरूरी नहीं है कि थॉट्स ही आते हैं, ऑब्सेसिव इमेजेस भी आ सकती है,
इमेजेस के साथ साथ आपको फीलिंग भी आ सकती है, जो कोई भी मतलब जो ये भी कोई भी चीज़ जो आपको बार बार आ रही है, जो आपको नहीं चाहिए पर वो बार बार आ रही है, वो ऑब्सेसिव हो जाएगी। फिर इस ऑब्सेसिव चीज़ की वजह से आपको एंगजाइटी होगी, और इस एंगजाइटी को दबाने के लिए आप कंपल्शन करोगे। ये पूरा एक साइकिल है ओसीडी का, ठीक है। अब ओसीडी को ठीक कैसे किया जाता है? दवाई होती है एसएसआरआई की, एसएसआरआई मेडिसिन की जो होती है वो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलेगी। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, वो दवाई आप लीजिए, अगर आपको ज़्यादा एंगजाइटी है तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। फिर काउंसलिंग करते हैं साइकियाट्रिस्ट भी, साइकोलॉजिस्ट भी, ACT थेरेपी करते हैं, ERP थेरेपी करते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा बहुत। तो ये पूरा वो है। देखिए ओसीडी देखने में बहुत ही सीरियस बीमारी है, और सीरियस बीमारी है भी, पर वो ठीक हो जाएगी। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और आपको बस मेहनत करते रहना होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था ओसीडी को समझाने के लिए, थोड़ा और गहराई में। मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं ओसीडी पे, पर तब भी मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा नॉलेज देते रहे उतना कम है और उतना बेहतर है, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।